हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पितृपक्ष का तीसरा दिन है और हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि आज हम सबसे पहले नहाने के बाद हम जिस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूजा हुआ था वो फूल वगैरह जो चढ़ा था वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। फूल निकाल करके एक पॉलीथीन में रखूँगी। जब ये 15 दिन बीत जाता है तो ये इस फूल को विसर्जित करते हैं या फिर अपने क्यारी की जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें डाल देते हैं, जहाँ पे कि फूल पौधे लगा जाते हैं वहाँ पर हम नीचे डाल देते हैं इनको। और इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। किन किन के यहाँ इस तरीके से होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे सभी मुस्लिम सभी लोग करते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे जहाँ तक पता है कि पितृपक्ष में मतलब अपने पितरों को पूजा करते हैं और वही सब हम भी कर रहे हैं। मम्मी सब रखी हुई हैं तो हमने साफ़ सफाई की है, मम्मी भी आएंगी पूजा करेंगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं किचन में आई थी पर वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि हम ही करते हैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पनीर की स्टफिंग बनाई है जो कि बनाऊंगी आज, पनीर का पराठा। और मैंने खाने में क्या कुछ बनाया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बना लेती हूँ पराठा। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर ली थी, आटा भी मैंने गूंथ के रखा हुआ था। पर थोड़ा सा जब बनाने लगते हैं ना तो हाथों से मसल लेते हैं, इससे आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है और पराठे हमारे बहुत ही मुलायम से बनते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको पहले से आटा गूंथ के रख देते हैं और जब बनाने लगते हैं तो उसको हल्का सा मसल देते हैं ताकि मेरा आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बनाते हैं पनीर के पराठे और लगाते हैं लंच की थाली जो कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हमारी लंच की शॉर्ट वीडियो जाती है, आप लोग देखिए। अगर पसंद आए उसमें से कोई भी रेसिपी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसकी फुल रेसिपी दूँगी। और जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पराठे बनाऊंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी थालियाँ। तो थालियाँ मैं थाली के ब्लॉग भी डालती थी, आप लोग काफ़ी पसंद करते थे, पर क्या करें मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे शूट करती हूँ मैं ही जानती हूँ। फिर भी मेरा बस अंदर से मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन रहे हैं और मैं लगा देती हूँ म्यूजिक, आप लोग देखिए। पे मैंने लंच की थाली रेडी कर ली है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे लिया है पनीर का पराठा और मैंने लिया है अरवी की दाल बनाई है, जिसकी रेसिपी आप लोग कहेंगे तो इसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। इधर मैंने बनाया है टमाटर और धनिया की पत्ती की चटनी, रायता और राइस। ये आज की मेरी लंच थाली है। वीडियो पसंद आए फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए लंच के बाद एक घंटे बाद हमारे यहाँ एक पार्सल आया जो कि बुकिंग हुई थी, इसकी दीदी ने बुक किया था। कंटेनर है ये फ्रिज में सब्जियां स्टोर करने के लिए, तो 10 कंटेनर थे जो कि 500 के हैं। अमेजोन से लिया गया है, फ्लिपकार्ट से लिया गया है, अमेजोन से नहीं सॉरी फ्लिपकार्ट से लिया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया से कंटेनर है, हम इसे जब स्टोर करेंगे वो भी आप लोग को दिखाएँगे, इसमें सब्जियाँ रखेंगे। सबसे पहले हम इसे धुलेंगे, धुल के सुखा लेंगे। तो इसी बीच में हमारे यहाँ बच्चे आ गए स्कूल से और ये भी आ गए, तो चलिए मैं गेट खोल देती हूँ और इन लोग को अंदर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं आ गई नीचे और मैंने अब यहाँ गेट के पास पहुँच गई हूँ और खोल देती हूँ। बाकी बच्चे चले गए हैं और ये जा रहे हैं। इसके बाद ये ला दिए थे ब्रेड और मैगी, जो कि ये बच्चे हमेशा बीच बीच में नाश्ता पानी इनका होता ही रहता है। मैगी तो जैसे बिना मैगी के घर सूना होता है, मैगी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कंटेनर को सारे जैसे कि बताया था कि धुला था वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:30 और हमने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मेरी सब्जियाँ मैंने सारी धुल ली थी, धुलने के बाद अच्छे से सुखा लिया था। अगर आपको सुखाने का समय ना हो तो आप कॉटन से अच्छे से इसको पोंछ सकते हैं। तो मैंने सारी सब्जियाँ यहाँ पर
धुल करके स्टोर कर दी, तो आप देख पा रहे हो मेरी फ्रिज के एक ही खाने में मेरी सारी सब्जियां आ गई। हाँ, सब्जियां अभी टोकरी में भी हैं, क्योंकि लौकी वगैरह जो होती है वो सब बास्केट में रख दिया। बाकी की चीज़ें जैसे कि नींबू है, धनिया की पत्ती है, हरी मिर्च है, खीरा है, सब चीज़। सो फैमिली, वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती है इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।